नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की पहली जयंती के अवसर पर सेफई महोत्सव पंडाल में समाजवादी पार्टी की ओर से आयोजित धरतीपुत्र दिवस में शामिल होने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मंच पर पहुंचे। अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मंच पर अखिलेश यादव के साथ शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, तेज प्रताप, धर्मेंद्र यादव समेत मुलायम परिवार के तमाम साथी और पूर्व विधायक पवन पांडे, किरण मेनंदा समेत कई कवि और साहित्यकार मौजूद रहे। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी रोहित मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रोहित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आज तमाम जो परिवार है वो मुलायम सिंह यादव को याद कर रहा था, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा था, किस तरह की तस्वीरें थी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, सपा के संस्थापक जो मुलायम सिंह यादव हैं, उनके निधन के बाद पहला जन्मदिन उनका जो है आज पड़ा, और उनके जन्मदिन को बड़ी सादगी के साथ जयंती को धरती पुत्र दिवस के नाम से जो है समाजवादी पार्टी ने मनाया है। सैफई में इस पूरे कार्यक्रम को यहां पर रखा गया क्योंकि मुलायम सिंह यादव का अपने पैतृक गांव सैफई से बहुत ही लगाव था और यहीं से इसी गांव से उन्होंने जो है अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। इसको लेकर आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत पूरा परिवार यहां पर मौजूद रहा और बड़ी सादगी से उन्होंने जो है नेताजी मुलायम सिंह यादव को के जन्मदिन को मनाया और बड़ी सादगी से ही उनको जो है श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। वहीं पीलीभीत में बीते दिन 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राज्यपाल ने दौरे के दूसरे दिन नौजलिया नकटहा में पहुंचकर स्टॉलों को देखा। इसके अलावा स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता जांची। राज्यपाल ने आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को खिलौने बांटे, साथ ही पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र, पोषण किट, प्रधानमंत्री आवास की चाबी वितरित की। इसके अलावा कृषि बीज वितरण किया गया, साथ ही जन संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन यहाँ पर किया गया। जालौन में एक सरकारी बाबू पर नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे मांगने का आरोप लगा है। वहीं पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि आरोपी सरकारी बाबू पलक नायक के खिलाफ न्यायालय ने NBW का वारंट जारी किया था। आरोप है कि सरकारी बाबू ने एक महिला से उसकी लड़की की सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे लिए थे। नौकरी न लगने पर जब महिला ने पैसे मांगे तो उसके साथ आरोपी ने बदसलूकी की, साथ ही मारपीट भी की और जान से मारने की धमकी दी। पूरा मामला उरई कोतवाली क्षेत्र का है। आरोपी उरई तहसील में वरिष्ठ सहायक पद पर तैनात है। तो जालौन की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सरकारी बाबू पर पैसे मांगने का आरोप लगा है। दरअसल नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे मांगे गए थे। वहीं पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आपको ये बता दूं कि आरोपी सरकारी बाबू पलक नायक के खिलाफ न्यायालय ने NBW का वारंट जारी किया था। उस पर यह आरोप है कि सरकारी बाबू ने एक महिला से उसके बेटे की सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे लिए थे और जब नौकरी नहीं लगी तो महिला ने पैसे वापस मांगे तो उसके साथ आरोपी ने बदसलूकी की, अभद्रता की और मारपीट की है और जान से मारने की धमकी दी। पूरा मामला उरई कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। सीतापुर के तंबोर कस्बे में पागल कुत्ते का आतंक देखने को मिला। बताया जा रहा है कि कुत्ते ने 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को अपना निशाना बनाया। वहीं घायलों का इलाज तंबोर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। तो सीतापुर का एक पूरा मामला है जहां पर आवारा जानवरों से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। सीतापुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को पागल कुत्ते ने अपना निशाना बनाया और यह आतंक लगातार बरकरार है। बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा लोगों पर यह कुत्ता हमला कर चुका है। सभी घायलों को इलाज के लिए तंबोर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया, साथ ही साथ इसको लेकर एक शिकायत भी दर्ज की गई है। अब शिकायत के बाद जल्द ही इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने की बात की जा रही है।
हरदोई के रड़ियावा थाना इलाके के बहुरवा गांव में सरकारी कागजों में स्वर्गवासी हो चुका एक युवक अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। पीड़ित का कहना है कि उसके माता पिता दिव्यांग हैं और गांव के ही कुछ लोगों ने उसकी जमीन और मकान अपने नाम लिखवा लिया। वो बचपन से ही अपनी बुआ के यहाँ पर रह रहा है। पीड़ित ने पूरे मामले में कार्रवाई किए जाने की मांग की है। तो जिंदा होने के सबूत ये युवक देता हुआ नजर आ रहा है। हरदोई का एक पूरा मामला है जहां के बुहरवा गांव में सरकारी कागजों में मृत दिखाए गए व्यक्ति को यहां पर आप देख सकते हैं और वो ये साबित करने में लगा हुआ है कि वो जिंदा है और अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर भी काट रहा है। वहीं पीड़ित का ये भी कहना है कि उसके माता पिता दिव्यांग है, गांव के कुछ लोगों ने उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया और मकान भी अपने नाम लिखवा लिया। वो बचपन से अपनी बुआ के यहाँ रह रहा था। पीड़ित ने इस पूरे मामले में कार्रवाई किए जाने की मांग की है और लगातार अधिकारी के कार्यालयों के चक्कर लगा रहा है। ग्राम बहरवा के सेक्रेटरी अशरफी लाल, ग्राम प्रधान शिव गोविंद हरनाम ने हमको 1996 में मृतक दिखाया। मैं रेलवे गंज मोहल्ला गिप्सनगंज में अपनी बुआ के पास छोटे पर से रहा। जब मैं गांव गया तो हमको मालूम हुआ कि मृतक हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी मोहम्मद आतिफ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आतिफ, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? एक शख्स जो अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए लगातार चक्कर काट रहा है अधिकारियों के, साथ ही साथ ये कह रहा है कि उसकी जमीन और मकान पर जबरन कब्जा किया हुआ है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये टरियावा थाना इलाके के बहुआ गांव का रहने वाला है युवक, जो खुद को जिंदा साबित करने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। इसको सरकारी अभिलेखों में मृत दिखाया गया है और न्याय की गुहार लगाने के लिए है ये अधिकारियों के लगातार चक्कर काट रहा है। जी आसिफ, इस पूरे मामले पर अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि कई समय से ये चक्कर काट रहा है? अधिकारियों का एक ही रटा रटाया जवाब होता है कि अभी ये मेरे पास आया है, इसमें जो भी मामला सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, और ये कितने समय से ऐसे ही चक्कर काट रहा है आसिफ? ये कम से कम इसको एक साल हो गया है चक्कर काटते हुए। एक साल से चक्कर काट रहा है, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया? कोई एक्शन नहीं लिया गया। सब जितने अधिकारी हैं, बातें तो सब बड़ी बड़ी करते हैं कि काम सारे हो रहे हैं, लेकिन केवल कागजों पर काम हो रहे हैं। और जो अगर वाकई में काम हो रहा होता, बताया जा रहा है कि वो दिव्यांग है, उनकी तरफ से कोई शिकायत पहले की गई हो? जी कई बार शिकायत की गई, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से अभी तक इसको कोई न्याय नहीं मिल पाया, जिसके चलते ये दर दर की ठोकरें खा रहा है और इंसाफ की अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आसिफ। तो ये पूरा मामला ऐसे शख्स का जो अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, करीब एक साल हो गया है। अपनी मांग है उसकी और उसका कहना है कि वो और उसके माता पिता जहां रहते हैं उस मकान पर कब्जा किया हुआ है, साथ ही साथ उसकी कुछ और ज़मीन भी है जिस पर किसी और ने कब्जा कर लिया है। उसका ये भी कहना है कि मुझे कागजों में मृत घोषित किया गया है, लेकिन मैं जिंदा हूं और इसी को लेकर लगातार थाने के चक्कर काट रहा हूं। उत्तर प्रदेश में पुलिस एक से बढ़कर एक मानवता की मिसाल कायम कर रही है, लेकिन इस बार सहारनपुर पुलिस ने ऐसी मिसाल कायम की है जिसमें अधिकारी से लेकर आम जनता भी पुलिस की सराहना कर रही है। मामला थाना कुतुबेश्वर का है जहां थानेदार सुबे सिंह ने एक बार फिर मानवता की बड़ी मिसाल कायम की। मिली जानकारी के अनुसार उन्हें सूचना मिली कि विजयनगर में लंबी बीमारी के चलते एक युवक दीपचंद की मौत हो गई। सुबे सिंह को पता चला कि परिजनों के पास अंतिम संस्कार के लिए पैसे तक नहीं है। वो सब काम छोड़कर मृतक के घर पहुंच गए। हिंदू रीति रिवाज के साथ मृतक को विशाल का अंतिम संस्कार किया गया। खुद सुबे सिंह ने अपनी पुलिस टीम के साथ मिलकर मृतक के शव को कंधे पर उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट तक लेकर गए। पुलिस के इस मानवता भरे सराहनीय कार्य से शहर में सुबे सिंह और उनकी टीम की पूरी तरह से प्रशंसा हो रही है। तो सहारनपुर में थानेदार की सराहनीय पहल नजर आई है। फिरोजाबाद के टूंडला में स्थित ब्लू स्टार होटल में उपजिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार और नायब तहसीलदार हेमंत कुमार ने पुलिस बल के साथ छापेमारी की।
दरअसल कई दिनों से उपजिलाधिकारी को शिकायत मिल रही थी कि रूला क्षेत्र में बिना लाइसेंस के दर्जनों होटल चल रहे हैं जिसमें अनैतिक कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में उपजिलाधिकारी टूंडला ने नायब तहसीलदार और पुलिस प्रशासन के साथ न्यू ब्लू स्टार होटल में छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने होटल से दो युवतियों को बरामद किया है जिन्हें टूंडला थाने भेज दिया गया, जिसके बाद उपजिलाधिकारी टूंडला के आदेश पर होटल को सीज कर दिया गया। वहीं प्रशासन पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी कृष्ण चंद मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृष्ण, क्या आपको जानकारी मिल रही है और ऐसे कितने होटल हैं जिसमें अनैतिकता होती है, साथ ही साथ पूरी तरह से मानक के स्वरूप नहीं है? अगर मैं बताने जाऊंगा, ये फिरोजाबाद के थाना टूंडला क्षेत्र में आज जो उप जिलाधिकारी टूंडला है सत्येंद्र कुमार, उन्होंने जो तहसीलदार जो हेमंत कुमार है उनके साथ पुलिस फोर्स को लेकर एक होटल पर छापामार कार्रवाई की। दरअसल मैं बताना चाहूंगा कि कई दिनों से, जैसा कि उप जिलाधिकारी का कहना है कि कई दिनों से उनको शिकायत मिल रही थी, टूंडला क्षेत्र में करीब 20 से 25 होटल हैं जिनके पास सराय एक्ट का किसी तरीके से कोई लाइसेंस नहीं है। बावजूद इसके जो होटल हैं उसमें लोकल आईडी पर कमरे उपलब्ध कराए जा रहे थे। इसी को लेकर आज जो है उप जिलाधिकारी ने छापामार कार्रवाई की। तो इस दौरान उसमें हालांकि कोई कपल या अन्य नहीं मिले, दो युवतियां उसमें बरामद हुई जिनका कि जो कि बाहर की बताई जा रही हैं। फिलहाल पुलिस पूरी मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और होटल को सील कर दिया गया है। जी ठीक है किशन, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। बस्ती के फर्दापुर गांव में एक स्कूल में सातवीं की छात्रा से छेड़छाड़ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया। छात्रा सुबह परीक्षा देने जा रही थी, इसी दौरान एक युवक ने उसे अकेले देखकर उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। इसी दौरान पिता की बहन और कुछ छात्रा पीछे से आ रही थी। अन्य छात्राओं को आधा देख आरोपी बाइक लेकर भाग निकला। पीड़िता बदहवास रोती बिलखती सड़क पर पड़ी रही। इसके बाद पीड़िता के परिजनों और शिक्षक बाइक से लेकर थाने पहुंचे और घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी दीपेंद्र चौधरी सीओ घटनास्थल पर पहुंचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया। पीड़ित परिजनों की तहरीर पर नामजद आरोपी के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी पारस नाथ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पारस, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है, किस तरह से पूरा मामला है? जी, ये हरिया थाना क्षेत्र के फर्जापुर गांव का मामला है। जो गांव के पास ये एक स्कूल है जिसमें लगभग 12 वर्ष की छात्रा जो स्कूल जा रही थी, तो गांव के लड़के हैं जो तो बाइक से आ रहे थे, बाइक से उसको बाइक रोक करके उसको रास्ते में रोक करके जो है बाग के किनारे जो है लेकर के चले गए। वो दुष्कर्म करने का प्रयास किया। हालांकि और भी बच्चे स्कूल से आ रहे थे, स्कूल से करके ये लोग फिर बाइक लेकर के फरार हो गए। लेकिन वो जो दूसरा बच्चा आ रहा था उसने आकर के स्कूल में बताया, स्कूल के प्रबंधक और वहाँ के जो विद्यालय के जो अध्यापक हैं वो सब मिल करके गए, बच्ची को लेकर गए। उसके बाद 112 नंबर पर फोन किया, 112 से उनको कोई मदद नहीं मिली। वो लोग थाने पे ले आए, थाने पर उनके तहरीर पर जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया, मुकदमा दर्ज करके एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ठीक है, बात शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बस्ती का एक पूरा मामला है जहां पर एक सातवीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल ये है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहा है। हालांकि पुलिस पूरी तरह से वादे करती है, दावे करती है कि वो महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने में कामयाब है, लेकिन रोजाना इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं और साथ ही साथ सवाल खड़े करती हैं कि जब इतने दावे किए जा रहे हैं तो ये दावे कहां फेल साबित हो रहे हैं। वही लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल शाहजहांपुर से पलिया रही कार गड्ढे में पलट गई। गाड़ी में करीब 12 लोग सवार थे जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, साथ ही कुछ लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी मयंक मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मयंक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस समय यह हादसा हुआ है, घायलों की क्या स्थिति है? मैम, हादसा ये उस वक्त हुआ है जब शिक्षक लोग स्कूल के लिए जा रहे थे एक प्राइवेट टैक्सी में, उसमें काफी लोग सवार थे जिसमें 2 शिक्षक थे रामपुर जनपद के,
और एकाएक अनियंत्रित होकर रोड गड्ढा मुक्त आदेश होने के बावजूद भी रोड सही ना होने के खातिर इतना बड़ा हादसा हो गया है, जिसको लेकर के ये कार पलट गई और 5 लोगों की घटना स्थल पे मौत हो गई है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। मयंक, कितने लोग घायल हैं, उनकी स्थिति क्या है फिलहाल? 4 लोग घायल हैं, जिनकी स्थिति, चारों लोग लखीमपुर से लखनऊ रेफर हो गए हैं, स्थिति चारों की नाजुक बनी हुई है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुँचाने के लिए। मथुरा के बरसाना में हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। दरअसल कल सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला था। मृतक मोहन सिंह उर्फ मोहनो के पट्टी में गोली लगी थी, जिसका बरसाना पुलिस ने खुलासा कर दिया। बरसाना पुलिस ने मृतक की कॉल डिटेल से खुलासा किया है। मृतक मोहन देर रात अपनी प्रेमिका से बात कर रहा था, जिसके बाद बरसाना पुलिस ने कड़ाई से प्रेमिका से पूछताछ की तो मौत की सारी गुत्थी सुलझने लगी। प्रेमिका ने बताया कि देर रात वीडियो कॉल पर बातों में मोहनो ने अपनी कनपट्टी पर बंदूक रख ली और खुद को गोली से मारने की बात कह रहा था। वो रात में मिलने का दबाव बना रहा था, वो बार बार उसको समझा रही थी। गुस्से में प्रेमिका ने फोन काट दिया। फिर सुबह गांव में युवक की मौत की सूचना पर यहां पूरी तरह से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। देखिए, बरसाना में एक गाँव पड़ता है चिकसौली, उसमें कल एक व्यक्ति की गोली लगी हुई डेड बॉडी बरामद हुई थी। इसके संबंध में पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया और उसमें विवेचना करी गई। उसमें ये तथ्य प्रकाश में आया है कि उसका एक लड़की के साथ, गांव की लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था, तथा इसी बात पर किसी बात पर नाराज होकर के उसके द्वारा स्वयं ही अपने आप गोली मार ली गई। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।